गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गेमिंग इंडोर्स। गेमिंग इंडोर्स पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप हॉर्स कार्ट सिमुलेटर गेम खेलने का विचार बना रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँचती रहे। फिलहाल वीडियो में बढ़ते हैं आगे दोस्तों। गेम स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ अबाउट दिस गेम दोस्तों। जब भी आप इस गेम को प्ले करेंगे, पहला लेवल स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कोई भी आपको साउंड क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी। जो म्यूज़िक साउंड है वो भी आपको सुनाई नहीं देगी। आपको सबसे पहले यहाँ सेटिंग में जाना होगा और कुछ करना होगा, उसके बाद ही गेम चलेगा दोस्तों। अभी आप सेटिंग में आ गए हैं तो आप इसमें तीन चीज़ें देख रहे हैं, म्यूज़िक साउंड और वाइब्रेशन। अभी ये ऑफ है दोस्तों, इन तीनों को हमें ऑन करना होगा, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। फटाफट से मैं इनको ऑन कर देता हूँ और आपको अब म्यूज़िक साउंड भी सुनाई देगी, वाइब्रेशन भी होगी और साउंड क्वालिटी भी होगी। तो चलिए ओके पे मैंने क्लिक कर दिया है, अब मैं प्ले पे क्लिक करने जा रहा हूँ। लेट्स मूव। प्ले पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, तो हम लोग पहले लेवल से स्टार्ट करेंगे। थोड़े समय प्रतीक्षा करनी होगी। ये देखिए, रीड द हॉर्स कार्ट टू द बार्न एंड लोड द सैक्स। तो दोस्तों अभी ये पहला लेवल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जल्दी से इस लेवल को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग चल रही है और ये है इस घोड़े की हेल्थ, ये टाइमिंग चल रही है और इसको कंट्रोल करने के राइट लेफ्ट के लिए, और ये है इसको कंट्रोल चलाने के लिए, आगे मूव करने के, पुश करने के लिए। ये सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, एग्जिट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, फटाफट से आगे जाते हैं, पास ही जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है बिकॉज टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है। अभी ये देखिए, ये सामने आप बंदा जो देख रहे हैं इसका नाम है हीरा, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसका नाम है फकीरा। तो हम लोग दोस्तों दूसरे लेवल पे आ गए हैं। स्टीर द हॉर्स कार्ट टू द नियर विलेज एंड डिलीवर द ग्रेन सैक्स टू द हाउस। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा, जो भी अभी मैंने आपके सामने पढ़ के दिखाया सारा का सारा, कि ग्रेन सैक्स क्या चीज़ है दोस्तों। ये जो ग्रेन सैक्स है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनाज की बोरियाँ। तो ये जो बंदा आप देख रहे हैं उसका नाम है फकीरा। फकीरा अपने दोस्त हीरा के पास जाएगा, ये अनाज की बोरियाँ रखने के लिए, मतलब कि उसको बेचने के लिए जाएगा। ये आपस में दोस्त हैं, आपस में बिजनेस करते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इस गेम में आपको एक गांव की दिनचर्या भी देखने को मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस गेम को बहुत बढ़िया से लाइक करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते जाइए कि मैं कहाँ से चला रहा हूँ। और दोस्तों इस गेम में कमी है, वो मैं बता देना चाहता हूँ क्या कमी है, कि इस गेम में कहीं भी मैप नहीं दिया गया है। देखिए आप चारों तरफ देखिए, गेम में वीडियो में देखिए, आपको कहीं भी मैप दिखाई नहीं देगा। अगर मैप होता तो बहुत ज़्यादा आसानी होती, हम आसानी से अपने मिशन को पार कर पाते, हमें पता चल जाता कि हमें जाना किधर है। ये एक वुडन ब्रिज आ गया जो कि हमें क्रॉस करना, नीचे एक रिवर बह रही है, ओके, हम इस ब्रिज को क्रॉस करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए, तो फकीरा अपने फ्रेंड के पास ये अनाज की बोरियां लेके जा रहा है। तो अब मुझे लेफ्ट जाना होगा, ये देखिए, वो देखिए उधर मेरा फ्रेंड हीरा अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं, इसका हीरा का घर है ये, आप देख रहे हैं ना सामने फ्रंट में। तो यहाँ मुझे स्टॉप कर देना होगा दोस्तों। हम लोग यहीं पे अटके थे तो मैं दोबारा से वहीं पे आ गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेवल हुआ कंप्लीट। दोस्तों अब हम तीसरे लेवल पे आ गए हैं। रीड द कार्ट बैक टू द फार्म टू लोड सीड सैक्स। तो सीड सैक्स क्या चीज़ है दोस्तों? सीड सैक्स का हिंदी में हम वर्णन करेंगे अनाज की बोरियां, ठीक है। तो चलिए हम दोबारा से वापस वही जा रहे हैं अपनी जगह पे।
जो अनाज की बोरियां उनको लाने के लिए जा रहे हैं, तो गाड़ी को ध्यान से चलाना होगा इस बैलगाड़ी को। ओके, ओ माय गॉड, ये देखिए अचानक से बीच में एक प्यारी सी गाय आ गई है। हमें इस गाय को बचाते हुए जाना होगा, अदरवाइज अगर ये घोड़ा फिर बैलगाड़ी से टकरा गई तो गेम यहाँ पे क्वाइट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको इस गेम को दोबारा से रिस्टार्ट करना होगा। ये देखिए दोबारा से वही ब्रिज, वुडन ब्रिज आ गया है, दोबारा से अपने फ्रेंड हीरा के पास जा रहा है सामान लाने के लिए। ये देखिए नीचे ढलान आ गई है, तो ये देखिए सामने पत्थर, हमें इस पत्थर से भी बचानी होगी इस गाड़ी को। ये देखिए इसको टर्न करना भी आसान नहीं है दोस्तों, इसके क्योंकि जो इसको चलाने वाला है वो ये जो फकीर बैठा हुआ ये इसको ड्राइव कर रहा है और घोड़ा ड्राइव कर रहा है। ये देखिए हम दोबारा से हीरा के पास आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों अब हम चौथे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। टेक दी हॉर्स टू द नियर विलेज टू डिलीवर दी सैक्स टू थ्री हाउसेस। तो दोस्तों मुझे अभी तीन लोकेशन पे जाना होगा, इस अनाज की बोरियों को डिलीवर करना होगा वन बाय वन करके। तो फटाफट से मैं जाता हूँ। ये देखिए इधर मेरे को नहीं जाना है, देखिए मुझे उस ब्रिज को क्रॉस करना है। ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना होगा। देखिए दोबारा से वही सेम गाय आ गई है, ये यहाँ पे खाना खा रही थी और अचानक से बीच में आ गई। उस साइड से भी आई थी जब मैं उधर से इधर आ रहा था अपनी तरफ, तब भी ये गाय आई थी, बट मैंने गाय को हिट नहीं किया। ये देखिए दोबारा से वही वुडन ब्रिज आ गया है, मुझे इसको क्रॉस करना ही होगा और कोई अन्य ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये देखिए सामने एक ये रास्ता आ गया, इसी रास्ते से मैं दोबारा पहले भी आया था और अब मैं लेफ्ट टर्न लूँगा। और देखिए ये देखिए इसको टर्न करना आसान नहीं है। ये देखिए मैं इसको जो लेफ़्ट एरो है इसका यूज़ मैं कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अनाज की बोरियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये पहली जो अनाज की बोरियाँ थी वो मैंने कलेक्ट कर ली है यहाँ से। अब हम दूसरी लोकेशन पे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ गए, हमारी दूसरी लोकेशन है। तो अब मुझे इसको टर्न करना होगा। और दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ इस गेम के बारे में, कहीं भी ये गाड़ी हिट नहीं करनी चाहिए, उसके अगर हिट होगी तो आपका गेम लैग भी कर सकता है, ये इस गेम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट मैंने आपको गेम में दिखाया कि इस गेम में कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए ओके दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ली, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ भी अभी आप देख सकते हैं लैग हो गया है, तो उस गेम में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको, मैंने वीडियो में भी दिखाया कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको इसको ध्यान से चलाना होगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग गेमिंग एंडोस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।